तो चलो सबसे पहले लक्ष्मी जी के दर्शन हम लोग कर लेते हैं, क्योंकि सबको यही पसंद है। ये वाला चैनल जो आप देख रहे हो ये नया है, इसीलिए इस पे व्यूज भी कम है, इसीलिए इस पे अर्निंग्स भी कम है। तो चलिए दोस्तों, मैं इसी कैटेगरी में एक पॉपुलर चैनल आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। आपको अगर लगता है कि ये जो वीडियोस बनाते हैं ये लोग पैसे नहीं कमाते, सिर्फ व्यूज आते हैं, तो आपकी गलत फहमी अभी दूर होने वाली है। यहाँ पे मैं ये चैनल ले लेता हूँ। यहाँ पे देखिए, ये शॉर्ट वीडियोज पोस्ट करते हैं, इनका नाम है फनी एनिमल्स लाइफ। तो ये चैनल URL मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ और यहाँ पे सोशल ब्लेड नाम का ये वेबसाइट है जो एनालिटिक्स और जो रेवेन्यू वगैरह है दूसरे चैनल का, वो आपको एस्टिमेट बताता है, एक अप्रॉक्स रेंज आपको प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे मैं देखूंगा, क्योंकि मेरे खुद के चैनल यहाँ पे ऑलरेडी 4 चैनल्स यहाँ पे चल रहे हैं, तो मुझे यहाँ पे पता लगता है कि ये जो रेंज दिया हुआ है $8.6 से $137.8, तो ज्यादातर चांस है कि 100, $110 या $120 के आसपास इनकी अर्निंग है। अगर $100 भी पर मंथ की अर्निंग मैं यहाँ पे कैलकुलेट करता हूँ, तो इंडियन रुपीज में अगर मैं यहाँ पे कन्वर्ट करके देखता हूँ, $100 यहाँ, यानी कि आपका 1 lakh USD यहाँ पे हो गया, जिसका मतलब आप यहाँ पे 76,52,685 रुपीज इंडियन रुपीज में पर मंथ कन्वर्ट करके होता है। तो सोचो मंथली 76 लाख। अब 76 में से या तो आप 6 हटा दो या 7 हटा दो, अभी आप या आप 6 लाख रख लो या 7 लाख रख लो या 5 लाख भी मंथली का रेवेन्यू रख लो, तो ये खराब क्या, आपको कुछ करना नहीं पड़ रहा। दूसरे के वीडियोस आप कॉपी पेस्ट कर रहे हो, थोड़ी सी एडिटिंग कर रहे हो, हाँ थोड़ा सा आपको पोस्ट करना पड़ेगा एवरीडे यहाँ पे, वो मैं अभी आपको आगे बताने वाला हूँ कैसे। बुराई कुछ भी नहीं है, इस चैनल में काफी ज्यादा कमा सकते हो। अगर मैं ये बोलूँ ना कि 50,000 भी आपको मंथली कमाने का यहाँ मौका मिल रहा है, तो भी आप मत छोड़ना, यहाँ पे बहुत पोटेंशियल है दोस्तों, यहाँ पे बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं आपको। मैंने एनिमल वीडियोस के ऊपर काफी सारे चैनल बना रखे हैं और बहुत अच्छे इनकम करके व्यूज लाके मुझे देते हैं वो चैनल, लेकिन मैं एक चैनल आपको बताने वाला हूँ जो कि मैंने रिसेंटली कुछ महीने पहले ही स्टार्ट किया है। उसका क्या स्टैटिस्टिक्स है, कितने व्यूज आते हैं, क्या वहाँ पे US ट्राफिक आता है कि नहीं, ये मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ। चलिए स्क्रीन पे चलते हैं। अब ये मेरा एक चैनल है, इस वीडियो की एनालिटिक्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे मुझे अभी 3000 व्यूज यहाँ पे मिले हैं। मैंने ऐसे काफी सारे शॉर्ट्स यहाँ पे पोस्ट किए हुए। ट्रैफिक सोर्स की अगर बात करें तो ये YouTube सर्च से आया है और शॉर्ट्स फीड से मुझे ज्यादातर ट्रैफिक यहाँ पे मिला है। अगर हम मैं देखता हूँ कौन सी कंट्री से मुझे ट्रैफिक मिला है, तो यहाँ पे नीचे जब आप आते हो तो यहाँ पे आपको दिखेगा यूनाइटेड स्टेट्स से आपको सबसे ज्यादा ट्रैफिक मिला है। सिर्फ यही नहीं, मैं आपको और भी वीडियोस दिखाता हूँ जहां से मैंने यूनाइटेड स्टेट्स से सबसे ज्यादा ट्रैफिक ड्राइव किया हुआ। इस वाली वीडियो की अगर बात करूं तो 1.9K व्यूज मुझे मिले हुए, और ऑडियंस की अगर मैं बात करता हूं तो यहां चेक करते हैं कि ऑडियंस शो हो रहा है कि नहीं। यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स से मुझे 17.2, यानी कि मैक्सिमम ऑडियंस मुझे US से मिली है। तो ऐसे मैं जितने भी वीडियोस पोस्ट करता हूँ ज्यादातर मुझे ट्रैफिक US से ही मिला है। और ये आप कैसे कर सकते हो, ये मैं इस वीडियो में बताऊंगा। एक भी सेकंड स्किप करोगे नुकसान आपका, आप सोच लो फायदा करना है नुकसान करना है। तो जैसा कि आपने देखा, इस टाइप की एनिमल वीडियोस चैनल, कुत्ते बिल्ली घोड़े वाले चैनल बनाकर आप पैसे कैसे कमा सकते हो। अपना कोई वीडियो नहीं डालना है, एडिट करके थोड़ा सा डालना, लेकिन दूसरे की मेहनत से खुद कमाई करना है। ऐसी कमाई आप कैसे कर सकते हो, देखिए एक चीज समझना बहुत जरूरी है। इस वीडियो को या तो पॉज कर दो या छोड़ के चले जाओ अगर इंटरेस्ट नहीं है। दुनिया में दो तरह के लोग हैं, एक तो होते हैं कि जो हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन, करोड़ों लोग सर्च करते हैं इंटरनेट पे, ठीक है यूट्यूब पर भी सर्च करते हैं, लेकिन कोई भी वीडियो वो लोग देखते हैं, 10 सेकंड देखते हैं, 20 सेकंड देखते हैं, फिर स्किप करके चले जाते हैं। फिर उनको लगता है कि ये दुनिया बेकार है, पैसे कमाने का कोई एक्चुअल गारंटेड तरीका नहीं। अरे काम तो करो, मैं भी तो पहले स्टॉक मार्केट में काम करता था, लेकिन अभी YouTube पे काम कर रहा हूँ, 4 चैनल्स चला रहा हूँ। एनिमल वीडियो के कई सारे चैनल ऑलरेडी मैंने बना के अभी बंद भी कर दिए, क्योंकि उसमें मेरा अब इंटरेस्ट रहा नहीं। तो आपको सीखना पड़ेगा ना, आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, कॉपी पेस्ट वाला ही काम है लेकिन मेहनत तो करनी पड़ेगी। चलिए बकवास कम करेंगे, मुद्दे की बात करेंगे, ऐसी वीडियो से आप पैसे कैसे कमा सकते हो, यही इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ आपको। एक भी सेकंड मिस करोगे नुकसान आपका है। स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आपका आपके ही अपने चैनल टिप्स वाला पर। एनिमल वीडियो चैनल जो हो गया वो टाइप ऑफ कैश काओ चैनल है, यानी कि गाय आप एक बार लाते हो और वो आपको सालों साल दूध देती रहती है। यहाँ पे 1% का मेहनत है, 200% का मुनाफा है। अपनी वीडियो नहीं डालनी है, दूसरे की वीडियो उठानी है, थोड़ी सी एडिट करनी है और डालनी है, सब्सक्राइबर्स भी आएंगे, व्यूज भी आएंगे,
और अभी मैं इस वीडियो में ये चीज आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन अभी मैं आपको बता दे रहा हूं कि ऐसी वीडियो से आप एफिलिएट मार्केटिंग भी कर सकते हो। जैसे कुत्ते वाली वीडियो आप डाल रहे हो तो कुत्ते के जो खाने वाले प्रोडक्ट्स हैं, डॉग ट्रेनिंग प्रोडक्ट्स हैं, अमेजोन पे भी मिलते हैं। क्लिक बैंक पे अगर आप रजिस्टर करते हो तो यूएसए के बहुत सारे अच्छे अच्छे वेबसाइट्स हैं जो कमीशन बहुत अच्छे देते हैं, उनके प्रोडक्ट्स भी आप यहाँ पे एफिलिएट मार्केटिंग से सेल कर सकते हो अपने शॉर्ट वीडियो के थ्रू। दोस्तों इस वीडियो को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। पहला पार्ट कि वीडियोस कहाँ से उठाना है, कॉपी पेस्ट अगर आपको करना है तो मैं रेकमेंड करूंगा कि यूट्यूब का मटेरियल उठा के यूट्यूब पे मत डालो। तो मैं यहाँ पे 3 वेबसाइट्स आपको बताऊंगा, उसके लिए आपको हर एक सेकंड देखना पड़ेगा, मिस करोगे तो आपके वेबसाइट्स भी मिस हो सकते हैं। तो वेबसाइट बताऊंगा जहां से आप उठा सकते हो, कॉपी पेस्ट कर सकते हो। दूसरा तरीका, एडिटिंग कैसे करनी है जो आपको कॉपीराइट यहां पे क्लेम या कॉपीराइट स्ट्राइक आपको ना लगे। तीसरा, यूएस से ट्रैफिक कैसे लाना है। आपके यूट्यूब के चैनल के अंदर ही ये सेटिंग्स होती है, शायद आपको नहीं पता होगा, मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। देखते रहिए, स्क्रीन पे चलते हैं। अब चलिए बात करते हैं पहले पार्ट की। पहले पार्ट में आपका आता है कि वीडियोस कहां से उठाने हैं। YouTube के वीडियोस YouTube से उठाइएगा तो ज्यादा रिस्क रहेगा कि आपका जो कॉपीराइट क्लेम है या यहां तक कि कॉपीराइट स्ट्राइक भी लग सकता है, आपका चैनल बैन हो सकता है, सारी की सारी मेहनत में पानी फिर जा सकती है। तो ये मैं कुछ वेबसाइट्स आपको बता रहा हूं। पहला वेबसाइट है archive.org, नाम याद रखिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको इंटरनेट पे कॉपीराइट फ्री ज्यादातर चीजें यहाँ पे मिलेगी। आपको बुक्स मिल जाएंगे, ऑडियो मिल जाएंगे, टेक्स्ट मिल जाएगा, इमेज मिल जाएगा, वीडियोस मिल जाएंगे, सब कुछ मिल जाएगा। यहाँ पे आपको सर्च करना है फनी एनिमल्स या फनी डॉग या फनी कैट, और ये जो साइड है आपका, यहाँ पे जो ऑप्शंस दिया हुआ है मीडिया टाइप का, यहाँ पे मूवीज पे आप जब क्लिक करोगे तो सारा फिल्टर होके यहाँ पे जितने भी वीडियोज हैं वो सारे आ जाएंगे। यहाँ पे ज्यादातर कॉपीराइट फ्री चीजें ही मिलती है, लेकिन आप फिर भी थोड़ा सा चेंज कर लीजिएगा, मैं आगे बताऊंगा कैसे। इसके बाद आता है आपको vimeo.com। vimeo.com पे जाके वॉच वाले सेक्शन पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे लिखना है फनी एनिमल्स या फनी डॉग्स, फनी कैट वीडियोस, जो भी आप लिखना चाहते हो, यहाँ पे सारे एनिमल वीडियोस आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तीसरा वेबसाइट है आपका dailymotion, और यहाँ पे भी आपको फनी एनिमल्स लिखना, जो भी आप कीवर्ड सर्च करना चाहते हो, और आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। ये 3 वेबसाइट्स मैं क्यों आपको बता रहा हूँ, क्योंकि इन तीनों में से 2 या शायद सारे के सारे वेबसाइट्स में ये पॉलिसी है कि आप यूट्यूब का वीडियो सीधा सीधा उठाकर यहाँ पे नहीं डाल सकते। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे या तो इन्होंने ओरिजिनल कंटेंट डाला हुआ है या थोड़ा सा एडिट करके डाला हुआ है, यानी कि रिस्क ऑलरेडी यहाँ पे कम है, और इसके बाद आप थोड़ा सा एडिटिंग अगर आप करते हो तो रिस्क बिल्कुल जीरो हो जाएगा, और बिंदास आप ये चीजें, ये कंटेंट यूज कर सकते हो, कॉपी पेस्ट कर सकते हो। ये चीजें सबको पता नहीं होती, और अगर पता भी होती है तो सब बताते नहीं, मैं आपको बता रहा हूं। वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए आगे मैं बता रहा हूं, इसे डाउनलोड करना है, और डाउनलोड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर डाउनलोड करना पड़ेगा अपने अपने कंप्यूटर पे, और उसे इंस्टॉल कर लीजिए आप। मैं आपको एक वीडियो डाउनलोड करके यहाँ पे दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं छोटा सा एक वीडियो ढूंढूंगा, ये वीडियो 7 सेकंड का है, ये मैं डाउनलोड करके देखता हूँ। तो जैसे ये वीडियो यहाँ पे प्ले हो रहा है, तो यहाँ पे मेरा जो है इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर इंस्टॉल किया हुआ है, तो यहाँ से मैं इसको डाउनलोड कर लूंगा। ये देखिए यहाँ पे मेरा डाउनलोड का ऑप्शन आ गया, और इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ यहाँ पे, और ये डाउनलोड हो चुका है। अब हम लोग आते हैं वीडियो के सेकंड पार्ट पे, जहां पे मैं आपको बताऊंगा कि एडिटिंग कैसे करना है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ये वेबसाइट खोलना है canva.com, ये फ्री ऑफ कॉस्ट, इसमें काफी सारे फीचर्स आपको मिल जाते हैं, शायद आपको पता भी होगा इसके बारे में। तो आपको यहाँ पे इंस्टाग्राम रील्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, और यहाँ पे जो वीडियो आपने डाउनलोड किया है, जैसे कि मैंने अभी अभी एक वीडियो डाउनलोड किया, उसको मैं ड्रैग एंड ड्रॉप यहाँ पे करने वाला हूँ अभी। तो जैसे कि मैंने ये वाला फनी वीडियो एनिमल्स ये नाम का अभी आपके सामने मैंने डाउनलोड किया था, इस वाले वीडियो को मैं यहाँ से ड्रैग करता हूँ और यहाँ पे सीधा सीधा ड्रॉप कर देता हूँ। अब मैं इस वीडियो को इस कैनवस के साइज के हिसाब से एडजस्ट करूंगा, और इसको नीचे की तरफ थोड़ा सा मैं ड्रैग कर लेता हूँ, ताकि मुझे ऊपर थोड़ा स्पेस मिल जाए, कुछ मैं लिख सकूं। अब मुझे क्या करना है, एलिमेंट्स में मुझे जाना है। अब यहां जाके आपको लिखना है रेक्टेंगल। ये रेक्टेंगल लिखने के बाद इतने सारे ऑप्शंस मेरे पास आ गए हैं, तो मैं ये वाला ऑप्शन चूज करूंगा और इस पर क्लिक करूंगा, और ये यहां पे आ चुका है। अब इसको मैं या तो व्हाइट रखूंगा या ब्लैक कलर से कर दूंगा, आप चाहे तो कलर इसका चेंज कर सकते हैं, मैं यहां पे ब्लैक कर देता हूं इसको। तो यहां पे मैंने ब्लैक इसका कलर कर दिया। अब मैं इसको ऊपर जितना भी स्पेस खाली है
उस स्पेस पे पूरा ड्रैग करूंगा ताकि बिल्कुल वीडियो की लेंथ रेजोल्यूशन के साथ ये फिट बिल्कुल आ जाए। अब मैं इसके ऊपर टेक्स्ट लिखूंगा। टेक्स्ट लिखना बहुत जरूरी है क्योंकि जब आपकी शॉर्ट वीडियो शॉर्ट फीड में आती है तो हो सकता है कि आपने जो टाइटल लिखा, डिस्क्रिप्शन लिखा, कुछ भी नहीं दिखे। इतने में आपको आप शॉर्ट में एक दिक्कत है कि आप थंबनेल भी खुद चूज नहीं कर सकते। तो सबसे सेफ आपके लिए रहता है कि आप एक एलिमेंट यहां पे ऐड कर दे, या तो कोई स्टिकर दे दे और टेक्स्ट एक लिखिए। तो मैं यहां पे लिख देता हूं फनी कैट, ठीक है। और इसको मैं जो ब्लैक कलर ऊपर है इससे मैच करते हुए मैं यहां पे व्हाइट टेक्स्ट यहां पे डालूंगा। तो ये मेरा व्हाइट टेक्स्ट यहां पे आ चुका है और इसको मैं ऊपर ले जाऊंगा ड्रैग करके, ये यहां पे आ गया। आप चाहे तो थोड़ा और क्रिएटिव टेक्स्ट लिख सकते हैं। मैं आपको एग्जांपल समझा रहा हूं इसीलिए मैंने सिंपल सा एक टेक्स्ट लिखा। जितना क्रिएटिव आप टेक्स्ट के साथ बनोगे ना उतना चांसेस होगा कि आपकी वीडियो पे क्लिक ज्यादा हो। और अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एलिमेंट्स में जाके मैं कैट सर्च करता हूँ। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं बहुत सारे फोटोज यहाँ पे मेरे सामने आ चुके हैं। मैं कोई सा भी एक एलिमेंट यहाँ पे देखिए, बहुत सारा प्रीमियम भी है यहाँ पे, फ्री भी है। आप फ्री वाला ही चुनिए क्योंकि फ्री में ही आपको जब इतना सारा मिल जाएगा सब कुछ तो आप प्रीमियम की तरफ क्यों जाओगे। ये वाला मैं इमेज क्लिक करता हूँ और ये अपनी वीडियो पे मैं यहाँ पे ऐड कर लूँ। इसको थोड़ा सा ऊपर में कर लेता हूँ, ये हो गया। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ऑडियो ऐड करूँगा। ऑडियो पे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे कैनवा पे आपको कई सारे ऑडियोज मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे मुझे पता नहीं कि ये कॉपीराइट फ्री ऑडियोज है या नहीं। तो मैंने ऑलरेडी अपना एक ऑडियो यहाँ पे अपलोड करके रखा। आप यूट्यूब पे सर्च कीजिए या कोई भी MP3 वेबसाइट पे आप जाके सर्च कीजिएगा कि फनी कैट ऑडियो, फनी डॉग ऑडियो, फनी एनिमल ऑडियो, तो आपको बहुत सारे ऑडियोज मिल जाएंगे। तो आप यहाँ पे आराम से लगा सकते हैं उस ऑडियो को। तो मैंने यहाँ पे अपना ऑडियो एक अपलोड करके रखा है तो वो मैं यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करने वाला हूँ। तो ये वीडियो के साथ मेरा ऑडियो बिल्कुल परफेक्टली आ चुका है। अभी मैं इसको प्ले करके एक बार देख लेता हूं कि सही से सिंक हुआ है या नहीं। बिल्कुल सही है। अभी मैं इसको डाउनलोड कर लूंगा, शेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करूंगा और यहां पे मुझे डाउनलोड का ऑप्शन यहां पे दिख रहा है और इस वीडियो को मैं MP4 में यहां पे शो हो रहा है तो मैं डाउनलोड कर लेता हूं अपने सिस्टम पे। तो चलिए दोस्तों अब हम आते हैं वीडियो के तीसरे और आखिरी पार्ट में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, अगर आपने पिछले दो पार्ट मिस कर दिए तो ये पार्ट का कोई फायदा नहीं। अगर पिछले दो पार्ट देख के ये पार्ट आपने मिस कर दिया तो बिल्कुल ही फायदा नहीं। इसका मतलब पूरा वीडियो जिसने देखा होगा वही यहां से एक्चुअली सब्सक्राइबर व्यूज पैसे कमा पाएगा, जैसे कि मैं कमा रहा हूं, जैसे कि करोड़ों लोग कमा रहे। तो चलिए यहाँ पे जो मैंने वीडियो डाउनलोड किया canva.com से वो मैं यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा। तो यहाँ पे पहले मैं अपलोड वीडियोज पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं जो वीडियो मैंने डाउनलोड किया हुआ था अभी कैनवा से वो मैं यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा, जैसे कि ये मैं कर रहा हूं। तो ये मेरा वीडियो अपलोड हो रहा है यहाँ पे। अभी मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आपको बता रहा हूं, एक भी सेकंड मिस मत कीजिएगा। अगर अभी तक आप देखते आ रहे हैं इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, मुझे मेरा मोटिवेशन इससे बढ़ेगा क्योंकि बहुत मेहनत मैंने इस वीडियो के पीछे की है। तो यहाँ पे आपको टाइटल आपको जो डालना है ये बहुत ही कैची टाइटल डालना है। ये आप मैं एग्जाम्पल के तौर पर ये एक वीडियो यहाँ पे आपको दिखा रहा हूं। तो यहाँ पे आप देखिए इन्होंने क्या लिखा, फनी एनिमल वीडियोस 2022। ये डेट जरूर लिखिएगा यहाँ पे और ये स्माइली वगैरह जरूर दीजिएगा क्योंकि इसी से लोग अट्रैक्ट होते हैं, मजबूर हो जाते हैं आपके वीडियोस पर, आपके शॉर्ट्स पर क्लिक करने के लिए। तो यहाँ पे मैं यहीं से कॉपी पेस्ट करूंगा, थोड़ा सा इधर उधर कर दूंगा। जैसे मैंने कैट का वीडियो दिया तो मैं लिखूंगा बेस्ट, यहाँ पे लिखूंगा बेस्ट कैट वीडियो 2022, फिर यहाँ पे फनी एनिमल वीडियोस यहाँ पे दूंगा और यहाँ पे मैं स्माइली वगैरह कुछ डाल दूंगा, जैसे कि यहाँ पे लाफ्टर स्माइली होता है। यहाँ पे यूट्यूब पर ही आपको ऑप्शन मिल जाएगा और यहाँ पे मैं कैट का एक इमोजी बोलिए या स्माइली बोलिए वो मैं डाल दूंगा यहाँ पे। तो ये मैंने डाल दिया, ठीक है। और सेम चीज को मैं, क्योंकि ये शॉर्ट वीडियो है तो ज्यादा डिस्क्रिप्शन का यहाँ पे कुछ काम होता नहीं है, थोड़ा सा SEO आप बढ़िया कर लीजिए। आप थंबनेल जो भी चूज कीजिए यूट्यूब वही दिखाएगा जो उसका मन करेगा, तो यहाँ कोई फायदा नहीं है थंबनेल वगैरह बनाने का या चूज करने का। आप यहाँ पे क्या कीजिए, आपको गूगल क्रोम में जाके ये एक्सटेंशन मस्ट डाउनलोड करना, इसके बिना काम ही नहीं होगा आपका। आप ट्यूब बड़ी यहाँ पे लिखिए सर्च बार में गूगल
क्रोम का वेब स्टोर आप ओपन कीजिए, यहाँ पे ट्यूब बड़ी लिखी है और ये जो पहला ऑप्शन है इसको डाउनलोड कर लीजिए और अपने ईमेल आईडी से इसको अपने चैनल पर इंस्टॉल कर लीजिए। आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। ये कैसे करते हैं अभी मैं बताने जाऊंगा, बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। इसकी मदद से देखिए मैंने अपने चैनल पे इंस्टॉल करके रखा है, तो ये वीडियो जो मैंने ओपन किया है तो यहाँ पे इसके कितने सारे टैग्स यहाँ पे इन्होंने लगाए जो कि रैंक हो रहे हैं, ये आप देख सकते हैं। ये टैग जो है फनी एनिमल क्लब, ये दो नंबर पे आ रहा है। मतलब मैं अगर वीडियो गूगल के यूट्यूब के सर्च बार पे अगर मैं लिखता हूँ फनी एनिमल्स क्लब तो ये वाली वीडियो दूसरे नंबर पे शो होगी। यहाँ पे आप फनी एनिमल्स देखिए, ये अगर मैं लिखता हूं तो ये वाली वीडियो एक नंबर पे शो होगी। तो यहां से आपको क्या करना है, 4 से 5 टैग्स उठाने हैं जो कि टॉप रैंकिंग में है, यानी कि 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर पे जो भी रैंक कर रहा है 4 से 5 टैग्स यहां से उठाने हैं। और फिर गूगल के सर्च बार पे ही अगर आप लिखते हो ना फनी कैट ऐसे आप लिखते हो तो गूगल तो ये यूट्यूब खुद ही सजेस्ट करता है नीचे कि आप क्या क्या चीजें यहाँ पे डाल सकते हो, क्योंकि यही यूजर सर्च कर रहे हैं, जो लोग सर्च कर रहे हैं वही आपको यूज करना है। तो यहां से भी आप 4-5 टैक्स उठा लीजिए या 6 टैक्स या 7-8 टैक्स उठा लीजिए और अपने चैनल का नाम और 2-3 कीवर्ड्स ऐसे रखिए जो आप हर वीडियो में हर शॉर्ट वीडियो में सेम रखिएगा, क्योंकि वो इंटरलिंक करेगा एक वीडियो के साथ, आपके सारे वीडियोस को लिंक कर देगा। यानी कि ये प्रैक्टिस अगर आप बार बार करोगे तो इससे क्या होगा कि यूजर अगर आपकी एक वीडियो देखता है तो उसको यूट्यूब बाकी के वीडियोस भी सजेस्ट करेगा आपके चैनल्स के। तो यहां पे मैं यहां से कॉपी कर लेता हूं इन्होंने जो टैक्स यूज किए, आप यहां से 4 या 5 टैक्स ही उठाइएगा। मैं आपको समझाने के लिए यहां सारा टैक्स कॉपी कर रहा हूं, आप चाहे तो सारा भी करके देख सकते हैं, लेकिन मेक श्योर कीजिएगा जितने वीडियोस आप बना रहे सब में एक ही टैक्स यूज कीजिए, तभी आपका वीडियो अच्छे से रैंक हो पाएगा। तो यहां पे मैं सारे यहां पे कर दिया, मैंने कॉपी यहां पे कर दिया। और यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताने वाला हूं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, यहां पे वीडियो लोकेशन में आपको डालना है यूनाइटेड स्टेट्स, लेकिन इससे पहले एक स्टेप करना है जो मैं आपको एक्चुअली बाद में बताऊंगा इसके बाद। और यहां पे आपको वीडियो लैंग्वेज में भी आपको इंग्लिश सेलेक्ट करना है, वो भी यूनाइटेड स्टेट्स का। तो यहां पे मैं देखता हूं कि ऑप्शन मुझे दिखा रहा है या नहीं, एक सेकेंड, इंग्लिश तो दिखाना चाहिए। ये देखिए इंग्लिश, इंडिया का इंग्लिश है, यूनाइटेड किंगडम का, यूनाइटेड स्टेट्स का, तो यूएस का आप इंग्लिश यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। यूएस में क्यों बोला हूं, क्योंकि यूएस की वीडियोस पे ज्यादा कॉस्ट पर क्लिक आपको मिलता है, वहां के लोग वीडियो जब देखते हैं तो क्रिएटर्स को ज्यादा पैसा मिलता है इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, इन सब कंट्रीज के कंपैरिजन में। और यहां पे आप नेक्स्ट कर दीजिए जो भी आपका है, यहाँ पे नो कर दीजिए, नो दिस वीडियो इज नॉट मेड फॉर किड्स, और फिर नेक्स्ट कर दीजिए। अब मैं चेक पे जब जाता हूं, देखिए मैंने ये वीडियो आपके सामने कॉपी पेस्ट किया था लेकिन यहां पे कोई भी कॉपीराइट क्लेम या कुछ भी नहीं दिखा रहा, आपके सामने प्रूफ है दोस्तों, आप भी ऐसा कर सकते हैं और फिर यहां पे नेक्स्ट करके आप इस वीडियो को पब्लिश कर सकते हैं। अब मैं आपको एक स्टेप दिखा रहा हूं जो आपको हर वीडियो में करना है। आपको अपने चैनल के नीचे ये सेटिंग्स वाला ऑप्शन दिख रहा होगा, इस सेटिंग्स वाले ऑप्शन पे आप क्लिक कीजिए, उसके बाद चैनल वाले ऑप्शन पे आप जाइए और यहां पे कंट्री ऑफ ऑरिजिन मैंने इंडिया जैसे कि डाल के रखा है तो आपको यूनाइटेड स्टेट कर देना है। यहां पे ये यहां पे मैं चेक कर लेता हूं, एक सेकेंड, यूनाइटेड स्टेट्स ये करके रखना है, ठीक है। और फिर यहां पे आपको जो भी कीवर्ड्स है जैसे कि फनी कैट वीडियोस, फनी डॉग वीडियोस, फनी एनिमल वीडियोस 2022, फनी एनिमल वीडियोस कॉम्पिलेशन, ये सारे कीवर्ड्स टॉप के कीवर्ड्स यहां पे आपको इस एरिया में डालने हैं। और एडवांस सेटिंग में जाके यहां पे नो दिस चैनल इज नॉट मेड फॉर किड्स ये आपको सेलेक्ट कर लेना। इससे क्या होगा कि बार बार आपको ये चूज नहीं करना पड़ेगा, जो भी आप वीडियो डालोगे उसमें ऑटोमेटिकली यूएस ऑडियंस के लिए वो वीडियो तैयार हो जाएगी। और फिर यहां पे सेव कर लेना। इस स्ट्रेटेजी को आप अपनाओगे तो बहुत ही आपको फायदा मिलेगा। अब मैं आपको ये बता रहा हूं कि अपलोड कैसे करना है, ये आपको एक दिन में 5 से लेकर 8 वीडियोस तक अपलोड करना है। मैंने क्या किया, शुरू में बहुत वीडियोस अपलोड करता था, अब मुझे पता चल गया कि मुझे 1 बजे से लेकर 1:30 बजे के बीच में यूएस की ऑडियंस मेरी वीडियोस देखती है, तो मैं अभी एवरीडे 3-4-5 वीडियोस शॉर्ट वीडियोस डालता हूं 1 बजे से 1:30 बजे के बीच में। आपको क्या करना, सुबह से लेकर दोपहर तक, मुझे लगता है कि बेस्ट टाइम सुबह से लेकर दोपहर तक का होता है, इस बीच में आधे आधे घंटे के डिफरेंस में या 15 मिनट के डिफरेंस में आपको एक वीडियो मस्ट डालना है एवरी डे। ये आपको करना है, कुछ नहीं करना, आपके सामने मैंने किया कॉपी पेस्ट बिल्कुल किया, थोड़ा सा एक एडिटिंग किया, इसमें कितना ही टाइम लगेगा, हार्डली 2 मिनट 3 मिनट लगेगा। तो ऐसे 5-6 वीडियो, 7 वीडियो, 8 वीडियो एवरी डे अगर आप डालते हो तो
तो आपका चैनल और वीडियोस दोनों रैंक होने शुरू हो जाएंगे और यूएस से आपको ट्रैफिक मिलेगी, जैसे मुझे मिल रही है, मैंने आपको लाइव दिखाया। दोस्तों ये वीडियो आपको इतनी सी भी अच्छी लगी है ना तो एक लाइक करके आप मेरा मोटिवेशन बढ़ा सकते हैं, और ऐसे ही वीडियो आपको बार बार चाहिए और लगातार चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन जरूर दबाओ, ताकि ऐसी वीडियो मैं जब भी बनाऊं आपको सीधा नोटिफिकेशन मिल जाए आपके चैनल पर। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, दोबारा मैं बहुत जल्द आपको मिलूंगा ऐसे ही वीडियोस के साथ। तो आज के लिए टाटा बाय बाय। We'll be right back.